जय माता दी। दोस्तों आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत क्या है, किन लोगों को इस व्रत को करना चाहिए, ये व्रत कब किया जाता है, कितनी संख्या में किया जाता है, इस व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, इसके साथ ही इस व्रत को जो लोग रखते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा विधि किस तरह से होनी चाहिए, किस मंत्र का जाप आपको करना है, मंगला गौरी व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कौन सा लाभ आपको हो सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी लिखना मत भूलिएगा। तो पहले तो बात करते हैं कि मंगला गौरी व्रत कब किया जाता है। मंगला गौरी व्रत माँ गौरा यानी कि माँ पार्वती के लिए किया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव और माँ पार्वती को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है, इसीलिए मंगला गौरी का व्रत सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को ही किया जाता है। इस व्रत को कौन लोग कर सकता है और किस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों मंगला गौरी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है, और इसके साथ ही अगर मंगला गौरी व्रत कोई अविवाहित कन्या करती है तो उसके विवाह में आ रही हर तरह की बाधा भी समाप्त हो जाती है, उसे मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए इस व्रत को करना बहुत ही लाभकारी और श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों इस साल 2021 में सावन प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई रविवार के दिन, और इस तरह से 27 जुलाई मंगलवार के दिन पहला मंगला गौरी व्रत है। ऐसे में जो भी लोग इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, पूजा विधि और इसके साथ ही व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शास्त्रों में मंगला गौरी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों इस व्रत की पूजा विधि क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मंगला गौरी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत का संकल्प लेना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, इसके साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन आप सौभाग्य और समृद्धि के लिए मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लीजिए, इसके साथ ही मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना आपको करनी है। मूर्ति को लाल कपड़े पर ही रखना चाहिए। एक बार अगर आपने ये व्रत प्रारंभ कर दिया तो इसे प्रारंभ करने के बाद आपको लगातार 5 साल तक कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आपके व्रत पूरे हो जाएं या फिर आप अपनी मन्नत भी मांग सकते हैं। अगर आपने जिस भी मन्नत के लिए इस व्रत को किया है तो आप सबसे पहले तो संख्याओं का संकल्प जरूर लीजिए, और संख्या कंप्लीट होने के बाद अपने व्रतों का उद्यापन आपको सावन के महीने में मंगलवार के दिन ही करना चाहिए। दोस्तों मंगला गौरी पूजा करने के लिए आपको 16 मालाएं चाहिए, यानी कि आपको मंगला गौरी की पूजा में हर सामग्री 16-16 की संख्या में ही रखनी है, यही मंगला गौरी व्रत का विधान है। आपको चाहिए 16 फूलों की मालाएं, लौंग यानी कि 16 ही रखनी है, 16 सुपारी, 16 इलायची, पान, फल, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां और मिठाई। इसके साथ ही अगर आपके पास 16 फल नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी आपके लिए संभव हो उसे आप 16-16 की संख्या में रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप आज के दिन 5 तरह के सूखे मेवे, 7 तरह के अनाज जिसमें आप गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर ये सब रख सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में आटे से बना हुआ घी का दीपक आप जलाइए, पूजा आरती करें, पूजा के बाद मंगला गौरी की कथा सुने, इसके साथ ही माँ मंगला गौरी से प्रार्थना कीजिए कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रही हैं वो मनोकामना आपकी पूरी हो सके। दोस्तों मंगला गौरी व्रत वैसे तो 5 साल तक के लिए ही रखा जाता है, और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तब सावन के आखिरी मंगलवार को ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों पूजा करने के साथ ही आपको आरती करनी चाहिए और उसके बाद क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि अन्न ग्रहण ना करें इस दिन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, आप शुद्ध सात्विक भोजन के साथ रात के समय पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकती हैं, और हर मंगलवार को सावन के महीने में आप मंगला गौरी व्रत रख सकती हैं।
दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं मंत्रों के बारे में तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माँ मंगला गौरी व्रत करते समय कुछ आसान से मंत्रों का जाप, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ उपाय भी जिन्हें आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माँ मंगला गौरी की जय लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।